लोग जानने वाले कि बलेनो सियाज या फिर इग्निस या फिर और कोई मॉडल हो जिसके अंदर हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे बलेनो मॉडल्स, इग्निस हो या फिर सियाज हो या जो भी नेक्सा के मॉडल्स है, उसके अंदर इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम इनबिल्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर जो शॉक सेंसर्स या फिर फुल ब्लास्ट सेंसर्स जो होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं जैसे ऑटो कॉप का आता है कि कार को किसने टच कर लिया या बम्प हो गया, तो वो सिक्योरिटी सिस्टम जोर जोर से बजने लगता है, तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको कार को ऑन करना है, ऑन में लाके आपको इसके बाद में सबसे पहले ये ऑडियो मीटर आना चाहिए, जैसे कि अभी ये ऑडियो मीटर आ रहा है जो किलोमीटर रीडिंग है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो नॉब दिया हुआ है, ये वाला नॉब है, इसको प्रेस करना है कुछ देर के लिए, जब तक यहाँ पे सेटिंग्स या क्लॉक ऐसे कुछ लिख के नहीं आता है, जैसे कि अभी देखिए क्लॉक लिख के आया है। उसके बाद में आपको टर्न करना है, ये डोर सेटिंग्स है जिसमें डोर लॉकिंग अनलॉकिंग, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में लाइट सेटिंग्स है, उसके बाद में है आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स जिसमें हमें जाना है। तो इसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स में हम लोग आएंगे, यहाँ पे जो हमें देखना है S3 का, S2 होता है शॉक सेंसर्स, जो डिसेबल्ड होता है जनरली, तो हमें उसे अनेबल करना पड़ता है, तो हम लोग इसको अनेबल कर देंगे। S12 तो अनेबल ही है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, इसको वापस जाना है, बैक हमें जाना है S3 में। S3 में जाके इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये नॉब को घुमा के ये चेंज रहता है S3 S4, तो हमें S3 में जाना है, इसको दबाएंगे तो ये एंटर हो जाता है। तो ये जीरो है, मतलब ये डिसेबल्ड है, ये प्री वार्निंग सेंसर्स या प्री वार्निंग शॉक सेंसर्स होते हैं, या छोटा मोटा बम्प लगने पे वो बचता है। तो इसके हम लोग सेंसिटिविटी ये कुछ ऐसे दबा के मैंने इस तरफ घुमाया राइट की तरफ, तो वो बढ़ रहा है, इसको बढ़ा के हमें 15 तक लेके जाना है। यहाँ पे 15 यानी फुल मैंने सेट कर दिए, तो दोस्तों ये एरर आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे S2 में जाके इसको एनेबल, S1 पे एनेबल करना होता है, नहीं तो वो डिसेबल्ड होता है। अभी हम लोग S3 पे जाएंगे, इसको हम लोग लेवल को हम लोग फुल सेट करेंगे। F15 पे सेट करेंगे, ये सेट हो गया है, ये हो गया आपका प्री वार्निंग सेंसर्स। उसके बाद में हम लोग सेट करेंगे फुल ब्लास्ट सेंसर्स जो है हमारा S4 में, तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा वापस घुमा के आगे ले जाएंगे, S4 में ले जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेड है हम देखेंगे, फुल वार्निंग सेंसर्स को हमें 100% पे नहीं रखना है, उसको हम लोग मीडियम लेवल पे कहीं पे रखते हैं। ये 9 पे है सिलेक्टेड, तो ये सही लग रहा है मुझे, तो 9 पे मतलब छोटा मोटा अगर बम, बड़ा बम्प कुछ होगा तो वही वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं ये 9 पे सिलेक्टेड है, तो ये सही है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एनेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी मैंने इसको एनेबल कर दिया है, अगर कोई छोटा मोटा बम्प आता है या कोई गलती से कहीं से टच कर देता है तो ये साउंड करने चालू हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बताना चाहता था, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने आपके बलिनो या इग्निस या फिर सियास में ये सेटिंग्स एनेबल नहीं की होगी तो ज़रूर एनेबल कर दीजिए।